गुजराती रेस्टोरेंट एंड दिस इज अ स्पेशल राजस्थानी थाली, सो लेट्स टेस्ट. तीन चार सब्जियां हैं, रोटी एंड राइस और कुछ था नहीं, यही सही लग रहा है. लंच कर लेते हैं. एट लंच इन दिस गुजराती रेस्टोरेंट, द नेम इज वर्षा गुजराती रेस्टोरेंट. इसी शॉप से मैंने चार पांच कोक ले ली. टुडे इज वेदर इज सनी, 25.6 डिग्री सेल्सियस इन आमोद्रा. हाँ, सो यहीं से मैंने चार पांच कोक खरीद ली, कुछ चार पांच अमूल लस्सी के पैकेट्स ले लिए और नमकीन मूंगफलियां ले ली. सो दैट अगर कुछ खाने को ना मिले तो आई एटलीस्ट हैव दोज टू ड्रिंक एंड ईट. नाउ गोइंग टू साम डायरेक्टली, अब वहाँ कैंप ले लूँगा. दो तीन कैंप मेरी वाइफ ने शॉर्टलिस्ट करके मुझे भेजे हैं. मेरी वाइफ को मैं किट्टू बुलाता हूँ, तो उसको अगर कभी बात करूँ किट्टू तो समझ आना, शी इज आई टॉकिंग अबाउट माई वाइफ. तो किट्टू ने मुझे कुछ दो तीन कैंप शॉर्टलिस्ट करके भेजे हैं, उनमें से मैं जाके देख लेता हूँ कौन सा बेटर है, फिर उनमें से किसी एक में चेक इन कर लेंगे. चेक इन करने के बाद मे बी आई विल गो फॉर अ डेजर्ट सफारी और फिर रात को वहीं स्टे करूँगा. अच्छा एक्सपीरियंस होगा आई थिंक, नॉर्मल सिटी होटल और इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा. टेंट्स होते हैं, टेंट्स ठीक ठाक अच्छे टेंट्स होते हैं. द वॉशरूम्स आर ऑल्सो नाइस क्लीन. आई एम नॉट श्योर शावर वावर होता है नहीं होता, नहीं तो बाल्टी मग लेके नहाएंगे, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा देख लेंगे. गाइस दिस इज द रियल थार डेजर्ट. दिस रोड गोज फ्रॉम द डेजर्ट. बहुत अच्छा व्यू है एंड यू सी द सैंड ड्यून्स. रुको जरा ज़ूम करता हूँ. प्लेस को बोलते हैं सम सैंड ड्यून्स. आई थिंक आई विल कम इन द इवनिंग टू डू अ कैमल राइड इन द डेजर्ट. बड़े बड़े रेत के टीले हैं यार, ऊंचे ऊंचे. लाइक ये सब बुक्स में ही देखा था अभी तक, कभी रियलिटी में डेजर्ट नहीं देखा था. सो इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव कम टू अ डेजर्ट. अच्छा फील है, थोड़ा चेंज. डेजर्ट गेटवे रिजॉर्ट, यहीं पर मैं रुक जाता हूँ. ये ठीक ठाक जगह लग रही है, थोड़ा सा आगे तक चलते हैं एंड आफ्टर दैट आई विल कम बैक. ओएसिस कैंप, ये भी कंसिडर किया था बट इससे बेटर डेजर्ट गेटवे था, सो आई थिंक डेजर्ट गेटवे ही सही रहेगा. मैं सम से भी आगे आ गया हूँ. दिस रोड इट डायरेक्टली लीड्स टू द इंडो पाक बॉर्डर एंड इंडो पाक बॉर्डर इज 40 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस. आई फील लाइक गोइंग टू द बॉर्डर एंड सी, बट
यहाँ किसी लोकल ने बताया कि वहाँ अलाउड नहीं है तो आगे जाने नहीं देंगे, तो जितनी आगे जा सकते हैं चले जाते हैं बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम. अभी दोपहर में तो डेजर्ट सफारी या जीप सफारी करने का तो मतलब नहीं है. 5 बजे के आसपास आई थिंक दैट शुड बी अ गुड टाइम. यहाँ दोनों तरफ ये आई डोंट नो दिस इज अ वेरी अजीब सा पॉन्ड. दे बिग बोथ साइड्स देयर इज अ पॉन्ड. काफ़ी नैरो रोड है विच विल डायरेक्टली टेक मी टू द इंडो पाक बॉर्डर. ये स्ट्रेट रास्ता जाता है 40 किलोमीटर्स. तो देखते हैं एक बार जाके कहाँ तक जा सकते हैं. दिल्ली से ही I-20 आ रही थी. This road that I am on is the Bharatmala Pariyojana. It's a beautiful road in the middle of a desert. All this is like Zathar desert. This is such a nice road. मैं तो यहाँ से क्रॉस कर रहा था. आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स द बॉर्डर. एकदम से नज़र पड़ी ऑन सच अ डेवलपमेंट एंड आई थॉट ऑफ हैविंग अ लुक के है क्या. सी देयर इज नथिंग, इट्स जस्ट दैट दिस ब्यूटीफुल रोड गोज. बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, अभी तक तो किसी ने मुझे रोका नहीं है. तो देखता हूँ जितना आगे तक जा सकता है. अगर रोड ठीक होगी तो ही जाऊंगा. आधी रोड थोड़ी खराब लग रही है, तो इफ द रोड कंडीशन इज फाइन ओनली विल देन आई गो, अदरवाइज नॉट. हियर आई एम, लुक एट दिस. And there is just nobody. What a stretch. I've taken off my shoes. I'll just try to climb this dune. Whoa. Fantastic, yeah. How beautiful. What a natural formation. This looks like a very, very natural formation. Just see, I'll zoom and I'll show you. The sand is very hot. I think I'm the only living, not the living creature, but I'm the only human being out here right now. Hey guys, I think I'm the only one over here right now, walking on one of the sand dunes.
I have left my footprints over here. Good feeling, very nice. Never been to a desert, to a real desert mein hai, first time. Acha lag raha hai. Ye jo natural formation ban jati hai of air on the sand, that looks absolutely beautiful and dur dur tak it is like that. So a great experience. I'm en route my way to the Indo-Pak border. It's quite far. I have approximately traveled like 45-50 kilometers from the Sum village through the desert, and this is how the entire area looks like. It's a flat land, both sides. It's a desert and a very clean road in the middle. Bus road thodi narrow hai, but apart from that there is no complaint at all. This directly leads to the Indo-Pak border. अंधेरा होने से पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा बिकॉज उसके बाद फिर थोड़ा अनसेफ हो जाएगा. तो जितनी दूर मैं जा सकूंगा इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर आई विल गो. आफ्टर दैट आई विल टेक अ यू टर्न एंड देन गो एंड स्टे इन माय कैंप. कोई भी व्हीकल मूवमेंट नहीं है इस पूरे एरिया में. बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है. मेरी वाइफ इसको देखेगी तो थोड़ी सी नाराज होगी दैट आई टेक सच रिस्क अलोन. एज पर हर आई शुड नॉट डू, बट दैट्स फाइन, शी विल अंडरस्टैंड. लुक एट दीज आर लाइक वेरी ब्यूटिफुल सैंड ड्यून्स ओवर देयर. दिस area is the BSF area. I don't think iske baad ye jana allow karenge, but I'll still check. Over there is a barrier. So I'll check if they allow. This is the Dhanana check post. इन्होंने मुझे मना कर दिया, इसके बाद आगे जाने नहीं देंगे. ये BSF का कैंप है यहाँ पर एंड आई हैव टू रिवर्स माई कार. तो यार मैंने वापस मोड़ ली है कार टुवर्ड्स द विलेज सम. यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर्स है. BSF वालों ने जाने नहीं दिया आगे, उन्होंने बैरिकेड लगाए हुए थे. सो वहां से अंदर जाना रेस्ट्रिक्टेड था. यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ. ये एक विलेज आया है अभी, ये जो आपको सामने दिख रहा है एक विलेज है. सारे घर ऐसे बने होते हैं यहाँ विलेज में. थोड़ा सा जूम करता हूं. या इफ यू सी, एक घर के बाद दूसरा घर काफी दूर है और एक ही तरह के सब ईंटों के घर बने होते हैं. मतलब ईंटों के तो सभी घर बनते हैं पर इस तरह की ब्रिक्स को यूज करते हैं. दीज आर नॉट ब्रिक्स, दीज आर स्टोन्स. सो ब्रिक्स बोलना गलत है, स्टोन्स के घर बने होते हैं. पूरी रेत रोड पे आई हुई है. ये देखो, काफी दूर दूर में ये सब एक ही तरह के स्ट्रक्चर के घर बने हुए. इस विलेज को बोलते हैं धनाना विलेज. अगर आप गूगल पे देखोगे तो धनाना विलेज इज द लास्ट विलेज
on the Indian side of the border. उसके बाद में कोई विलेज नहीं है, उसके बाद में इज जस्ट रॉ डेजर्ट, और फिर उसके बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो है इंडिया और पाकिस्तान की वो शुरू हो जाती है. नहीं ठीक है, ऐसे हम पूरा यूं बनाएंगे पूरा आएगा. Look at this beautiful view, guys. This is the interiors of Thar. काफ़ी solid है. मैं camel ride करके आया हूँ. जिस ऊँट पे हूँ उसका नाम क्या भैया? राजा भाई नाम है ऊँट का. ये भैया हैं जो ऊँट वाले हैं. काफ़ी अच्छा experience है यार. इनका काम बहुत मेहनत का है, बहुत मेहनत का है. इतना चलना पड़ता है इनको. आई थिंक 5-6 किलोमीटर चल लिए होंगे अभी. रोड से बहुत दूर हूँ. दिस इज लाइक वेरी गुड. I'm looking so tanned. I'm sitting on a camel and I'm doing a camel ride. Dekho, this is very good. Having tea in the middle of the Thar. A jeep safari karke aaya tha abhi. I came in this jeep. Coffee horrifying hai, by the way. रिस्की भी है. अगर आपने टाइटली पकड़ा नहीं होता तो गिर सकते हो. एंड दे ड्राइव लाइक वेरी वेरी डेंजरसली ऑन दीज कर्व्स. यू सी दीज ड्यून्स, बहुत ऊपर से एकदम से नीचे स्लैच करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ टूरिस्ट. दिस इज अ वेलकम हेरिटेज होटल जहाँ पर मैंने अभी रूम बुक कराया है. This is very very magnificent. This is actually the palace of the royals of Jaisalmer.
दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इन टू हेरिटेज होटल. बहुत सुंदर है यार, दिस इज़ वेरी गुड, मज़ा आ गया. और फॉर्चुनेटली एक्सपेंसिव भी नहीं है. यहाँ पर इन्होंने हेक्टर पार्क करा दिए. I'll show you the interior of the hotel. बहुत ही सही लगा रिसेप्शन एरिया. मंदिर पैलेस. हाँ जी, लगेज पहुंच गया सर? हाँ, ठीक है. यस सर. This is a palace which has been converted into such a beautiful hotel. बहुत सुंदर होटल है सर आपका. थैंक यू. काफी एकदम रॉयल फीलिंग है, मतलब बहुत अच्छा है. वीडियो में बना सकता ना इसका? क्यों नहीं, जरूर बनाऊं. मेरा YouTube का चैनल है तो उस पे डालूंगा मैं. अच्छा. मैं ट्रैवल के व्लॉग डालता हूँ. हाँ हाँ, तो आप जरूर डालना. राइट, मेरा भी साथ ले. हाँ जी, आपका नाम क्या, इंट्रोड्यूस कर सकते हो? बहुत राज सिंह. अच्छा, आप यहाँ के मैनेजर हैं? बिल्कुल, मैं मैनेजर. नाइस टू मीट यू सर. थैंक यू. दिस इज द रूम, क्वाइट हेरिटेज टाइप्स. माई ट्राइपॉड. इज नॉट लाइक वेरी फैंसी लाइक रेडिसन्स एंड ऑल, बट जैसे हेरिटेज होटल्स में होते हैं उस तरह का. एंड दिस इज द फोटोग्राफ और पोस्टर और आई मीन ऑफ भंवर शिवेंद्र सिंह. आई थिंक ही इज द सन ऑफ द ओनर. क्वाइट डिसेंट, गुड. This is the museum, guys. It's a part of the hotel. This museum at Mandir Palace is dedicated in the memory of Raj Rajeshwari, Her Highness Maharani Sahiba Kalyan Kamarji, the Princess of Bundi, who married His Highness Maharawal Jahir Singh Ji of Jaisalmer in 1917. And these are some of the things that were used in the palace. Okay. काफी antique चीजें हैं. All items are antique and handmade, private collections of Maharaj Hukum Singh Ji. This is the childhood photo of Maharaj Hukum Singh Ji. He was 10 years, dressed to meet H.E. Lord Wellington, the Viceroy of India in 1937. Nicely restored.
वेरी गुड। इट्स अ हैंगिंग बेड। This is one of the old guns used during that time. ये कुछ और कलेक्शन है, सिल्वर कॉइन्स डेटिंग बैक टू 1750। सम ऑफ द वॉचेस, कौन सा ब्रांड है, यार्ड्स, नाइस, बाइनोकुलर्स। इत्र बॉक्स फॉर इंडियन परफ्यूम, गुड। लुक एट द वे दीज डोर्स वर, काफ़ी छोटी हाइट के होते थे। इसका रीज़न ये बताया जाता है कि छोटी हाइट के इसलिए होते थे सो दैट, और नैरो इसलिए होते थे सो दैट इफ़ देर इज़ एन एनिमी अटैक देन अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट एंटर टुगेदर टू अटैक। सो दिस वाज वन ऑफ द सेफ्टी मैकेनिज्म्स। गुड मॉर्निंग, 11 बजने वाले हैं, 10:30 बजे हैं एंड आई एम रेडी टू चेक आउट फ्रॉम दी होटल नाउ। अभी प्लान ये कि मैं अभी ब्रेकफास्ट में करके आ गया था, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। कल रात को मैंने पूछा था तो बताया था इन्होंने कि 10:30 तक ब्रेकफास्ट है, लेकिन आई गॉट अ कॉल एट 9:15 के आप ब्रेकफास्ट के लिए आ रहे हैं क्या, तो मैंने बोला कि 10:30 तक टाइम है तो आ जाऊँगा। देन ही सेड कि नई टाइमिंग्स आर टिल 9:30। मैं फटाफट से फ्रेश हुआ, ब्रेकफास्ट करके आ गया, उसके बाद आके मैं रेडी हो गया एंड All my luggage is packed. I am absolutely ready to check out. Overall about this hotel, it's a heritage property owned by the royals of Jaisalmer and there is a lot of history around this. So it's a good place to stay overall. You know, palace converted into a hotel, apne aap mein kafi royal achhi feeling hoti hai. There is a museum also which I have you know, video recorded already. And room is decent enough, it is like very average and decent, comfortable stay, not a fancy stay like a Radisson or a Marriott etc. So kafi okay type decent hai, koi takleef nahi hoti hai, the linen is good, the beds are clean, the beds are comfortable, the washroom is quite average. And talking about the service, maine bahut service wagera kuch use ki nahi hai, yahan par spa wagera sab kuch hai but very expensive. तो 2,000 रुपए के स्पा है फॉर 60 मिनट्स एंड ऑल दैट, सो वी आवर स्पा इज लाइक यू नो व्हेन आई ड्राइव अ कार आई गेट अ स्पा, सो आई रियली डोंट नीड अ स्पा। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फूड, आई हैड बिरयानी लास्ट नाइट इन डिनर, इट वॉज क्वाइट ओके, थोड़े खड़े मसाले थे उसके अंदर बट काफ़ी टेस्टी थी। एंड रूफ टॉप रेस्टोरेंट जो है वो बहुत अमेजिंग है, रात को तो फैंटास्टिक लगता है बिकॉज you get a view of the fort which is just nearby and overall this entire palace also it's very nicely and you know very very strategically lit, lights bahut strategic lagayi hui hai that gives a very very great impression. To acha hai rooftop restaurant pe you can dine and you know enjoy your time over there. Uske baad breakfast mein because yahan par guests is time pe bahut kam hai, it's a low season, to बफे नहीं था बट दे वर टेकिंग ऑर्डर्स ऑन द टेबल, सो आई हैड ऑमलेट प्लस क्रिस्पी टोस्ट एंड जूस, इट वॉज वेरी डिसेंट, काफ़ी अच्छा था। और बहुत ज़्यादा वेराइटी थी, छोले भटूरे एक्सेट्रा वगैरह थे, वो मैंने खाए नहीं तो मुझे टेस्ट नहीं पता कि कैसा था, बट ओवरऑल आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। सो आई बुक दिस होटल फॉर 4400 रुपीज़ फॉर अ नाइट, दिस आई एम टेलिंग जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन इन केस यू विश टू कम। And on make my trip, it was costing me 4700. So I checked in. I mean, मैं
यू नो विदाउट मेक माय ट्रिप के यहाँ पर आ गया और यहाँ बुक करा लिया. सो आई सेव्ड अराउंड 300-400 रुपीस. नॉट ए बिग अमाउंट बट यस, सेविंग इज सेविंग. या सो दैट्स द सीन. नाउ ऑल सेट टू लीव. आई विल गो विजिट अ फोर्ट नियर बाय. इवन दो आई एम नॉट वेरी big fan of forts, churches and temples, but I mean if I have come here then I'll have a tour of the city and we'll look for something to shop for my daughter and my wife and my son and uske baad then I'll see ke mujhe ek raat yahan stay aur karna hai kuch dekhne layak ya kuch ghoomne layak hai ya nahi hai, otherwise then I'll head for Delhi. Yeah, that's the overall scene. So you know, if I have to rate the hotel on a scale of 1 to 10, overall rating, I would give 7. Rating on stay and room, I will give 6. Rating on food, I'll give 8. And the overall feel and I mean, the stay at the palace, etc. Overall, you know, decent, I mean, above average. So, it is a welcome heritage hotel. Agar aap aate hain, toh you can opt to stay in this hotel. It will not be a bad deal. And you will enjoy your time over here for sure. Yeah, that's about it. In case you have any questions, you can ask me directly in the comment section. And I'll be happy to answer. That's about it. Thank you. गाइज थोड़ा सा सिटी टूर किया था. आई वेंट टू सम हवेली. आई डोंट रिमेम्बर विच हवेली वॉज दैट. और आई थिंक एक डेढ़ घंटा आई वॉज देयर हवेली देखने के बाद. फिर और भी दो चार फोर्ट थे, पैलेसेस वगैरह थे, बट ऑल ऑफ देम आर लार्जली सिमिलर. तो मैंने सोचा दैट आई शुड नॉट वेंचर आउट मोर. और देन आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग बैक from home. So I'm saying bye to Jaisalmer. It was overall a great place. Ek bar visit definitely banta hai. So if you get a chance, please do come. Have a feel of the desert and you can have a good time. 2 days are more than enough. And now I am on the National Highway 11. This time taking the Bikaner wala route. So Pokhran, then Bikaner, from Bikaner to this place Jhunjhunu, Jhajjar, and then Neemrana, and then Gurgaon, and then Dwarka. So that's the route that I'm taking. Abhi is time bahut garmi hai. Maine car mein AC chalaya hua hai and half sleeves ki t-shirt mein hu. Can't afford to wear a full sleeves or a jacket. So ठीक है, प्लेजेंट वेदर है, नो प्रॉब्लम. गर्मी है तो आई मीन कार में तो डेफिनेटली ज़्यादा लगती है बिकॉज द कार इज यू नो इट हैज़ ग्लासेस एंड इट शट फ्रॉम ऑल साइड्स एंड ऑल दैट. तो इसीलिए एसी चलाना पड़ा है, बट ओवरऑल मज़ेदार है. बहुत गर्मी भी नहीं है, प्लेजेंट है. या सो फाइनली ऑन माई वे बैक होम. वेदर आई एम गोइंग टू ड्राइव स्ट्रेट टू होम टूडे और आई एम गोइंग टू स्टे समवेयर, that decision I will take once it is like 7-8 o'clock in the night. Agar highway theek lagega, moving hoga, traffic hoga, then I'll go at a stretch, go back home today only. Otherwise I'll stay and then travel back to home tomorrow morning. Enjoying the drive with a bottle of beer. So it's just amazing. Yeah, there you go. It's the Amul Lassi. I don't drink beer. I don't drink alcohol. I anyways don't drink. I'm a teetotaler. I like adrak wali chai. I like lassi. Very desi I am. So yeah, enjoying the drive with an Amul Lassi. I have finished one. It's already finished. And this time मैंने वो गलती नहीं की कि मैं एकदम खाली हाथ निकल आया हूँ, कुछ खाने की चीज लेके नहीं आया हूँ. दिस टाइम आई एम कैरिंग कोक, 2-3 बॉटल्स ऑफ कोक, 4-5 सच लस्सीज, 1 बॉटल ऑफ एनर्जी ड्रिंक एंड सम चिप्स एंड पीनट्स. तो इन केस आई डोंट गेट एनीथिंग टू ईट ऑन द वे, मेरा काम चल जाएगा एटलीस्ट विद देम. या
This is pretty tasty, by the way. I'm cruising at 90 km per hour. ये स्पीड काफ़ी कंफर्टेबल होती है. अभी टू चेक द टॉप स्पीड ऑफ द हेक्टर आई टच्ड 180 किलोमीटर पर आवर. बहुत अच्छा स्ट्रेच था, बट इतनी तेज स्पीड पे चलाना इज क्वाइट रिस्की. मैंने कभी इतनी तेज चलाई नहीं थी, मतलब हेक्टर इतनी तेज नहीं चलाई. मैंने ऑडी चलाई हुई है, इट हैज टच्ड 200. कोरोला ऑल्सो टच्ड लाइक 180, 190. This one, इतनी तेज मैंने पहली बार चलाई है. 150-60 तक मैंने चलाई थी, बट 180 इज द फर्स्ट टाइम. आई जस्ट वॉन्ट टू सी के ओवरऑल हाउ इज द फील, हाउ डज द कार हैंडल दैट काइंड ऑफ स्पीड. तो प्रीटी डिसेंट, इट वॉज एबल टू, बट यू कांट कीप ऑन रनिंग एट दैट स्पीड. दैट इज वेरी वेरी रिस्की. रोड की साउंड आती है, विंड की साउंड आती है, एनी वेज, एंड देन कंट्रोल ऑल्सो लूजेज ना, सो बिकम्स प्रीटी रिस्की. सो बस एक दो किलोमीटर चलाया था, 180 जैसे ही टच किया, आफ्टर दैट आई डिक्रीज्ड द स्पीड. ये सही है स्पीड, एकदम आराम से धीरे धीरे चलते रहो मजे से. A few piece of advice, guys. Right now the audience that watches my videos is not too big. I'm a very small YouTuber, but when these videos become popular, then I would like to give a message to everybody. One is that हमें अपनी lane में drive करना चाहिए, चाहे हम highway पे हैं, चाहे हम city में हैं, wherever we are. Zigzag वाली driving is very bad. That we should just not do. We should follow the lane driving procedure. That is the best thing to do. Then the other thing is that you know, कभी कभार जब जैम लग जाता है आगे, सो देर आर अ फ्यू स्मार्ट पीपल जो आने वाले ट्रैफिक की लाइन में अपने व्हीकल को जाके लगा देते हैं. देर आर अ फ्यू जो पेशेंट होते हैं, समझदार होते हैं, वो अपनी लेन में रखते हैं और आने वाले के लिए रास्ता छोड़ते हैं. लेकिन जो ओवर स्मार्ट होते हैं, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, बट दे आर रियली इडियट्स, वो जाएंगे दूसरी साइड पे और आगे जाके ब्लॉक कर देंगे. देन द इनकमिंग व्हीकल कैन नॉट कम. देन व्हाट हैपेंस इज इट इज ब्लॉक्ड कंप्लीटली. उधर से भी फिर लोग आ जाते हैं, रॉन्ग साइड पे पार्क कर देते हैं, तो इधर जाने वाला बंदा भी नहीं जा सकता और आने वाला बंदा भी नहीं आ सकता. एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ, आई मीन, जो जैम 5 मिनट में खत्म होना था उसको आधा घंटा लग जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रिड लॉक. सो प्लीज बी वाइज, प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल. और ये इंडिया में ही करते हैं हम, कहीं और ये सब नहीं होता. ये इंडिया में ही होता है कि हम जाके दूसरी लेन में अपनी कार लगा देते हैं कि यार मतलब ये तो खड़े हैं, बेवकूफ है, मैं जाके साइड से निकाल के ले जाऊंगा, एंड आई एम द वाइजर ऑफ द लॉट. सो माई रिक्वेस्ट टू यू, माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू इज प्लीज डोंट डू दैट. दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग. जल्दी सबको होती है, बट यू शुड नॉट डू दैट. 5 मिनट में ट्रैफिक जैम क्लियर हो जाता है, एंड वंस यू डू दैट, आई मीन टेक दैट काइंड ऑफ, यू नो, फॉलो दैट काइंड ऑफ थिंग कि यार आप दूसरी लेन से जाके आगे ब्लॉक कर दो एंड ऑल दैट, उससे फिर देन इट बिकम्स अ रियल मेस. फॉलो ट्रैफिक रूल्स, डोंट जंप रेड लाइट्स, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस. दिस फिनिश्ड, एंड विद दिस आई विल ऑल्सो फिनिश माई 2 सेंट्स ऑन द पीस ऑफ एडवाइस. What was the other one? Don't throw waste on the road like this. When we visit foreign countries, हम बोलते हैं यार इतनी साफ, इतना साफ देश है यार, it's a very beautiful city, very clean.
बहुत अच्छा लगा यार सिंगापुर जाके दुबई जाके यूरोप जाके एंड वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया देन वी डोंट केयर अबाउट द यू नो वी डोंट केयर अबाउट द क्लीनलीनेस शीशा नीचे करते हैं रोड पे फेंक देते हैं प्लीज डोंट डू दैट यू कैन कीप अ बैग इन योर कार एंड पुट दीज यू नो पुट द रैपर्स या जो कुछ भी खाने पीने का सामान जो फेंकना है आपको बाहर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स प्लास्टिक वगैरह डोंट थ्रो इट ऑन द रोड दैट्स रियली रियली बैड आई नेवर डू इट एंड नीदर डज माई फैमिली डू इट आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट सो आई कीप अ बैग इन द कार एंड पुट दीज यूज बॉटल्स और कार्टन्स और कैंस और कंटेनर्स इन दोज bags so I have one here I'll put it ghar jaake then I'll throw it in the bin that is much better so if all of us we start following these kind of things our city and our country will also become beautiful and when people from outside comes they will also find that Delhi or India is a clean country or a city काफी इंपॉर्टेंट है गाइस सो काफी ज्ञान हो गया सॉरी फॉर द ज्ञान आई नो ऑल ऑफ यू आर वाइज यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स बट इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस सो व्हाट वी नो वी शुड पुट इट टू प्रैक्टिस दैट्स इट कार में पेट्रोल सफिशिएंट है नथिंग टू वरी अबाउट द फ्यूल मैंने दोबारा से टैंक फुल करा लिया था अब ये घर तक आराम से चलेगा हेक्टर करीबन 800-850 किलोमीटर चलती है 65 लीटर्स ऑफ फ्यूल में जो कि काफी बढ़िया है Keep right. बीकानेर फ्रॉम हेयर इज स्टिल 168 किलोमीटर्स कंटिन्यू फॉर 1 किलोमीटर जब वहां से चला था देयर वाज 350 So I have covered almost half the distance from Jaisalmer to Bikaner. To Bikaner aur 2 ghante mein, 2.5 ghante mein maximum pahunch jaunga. So right now the time is meri watch band hai. Maine usko on nahi kiya. Right onto National Highway 11. What is the time? The time is 2:04. So 4:30 mein Bikaner pahunch jaunga. बीकानेर से फिर निकल ही जाएंगे 4:30 पे तो देयर इज राइट ऑन टू नेशनल हाईवे 11 अभी बैटरी इज 110% नॉट इवन 100 आई एम एब्सोल्युटली एनर्जाइज्ड कोई थकान नहीं है कंटिन्यू फॉर 11 किलोमीटर बहुत ही बढ़िया अभी तो मस्त है तो आई थिंक आज तो खींच ही दूंगा घर तक पहुंचा दूंगा आज रात में 1-2 बज जाएंगे रात के पर घर जाके ही सोएंगे डॉटर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस पर लिखा है माई लवली एंड ऑसम डॉटर दिस वॉज गिफ्टेड बाई माई वाइफ एंड मी टू माई डॉटर ऑन अ बर्थडे तो ये मैं साथ में ले आया ऐसा नहीं कि इसको बहुत मिस कर रहा हूँ उसकी याद आ रही है और इसलिए ये साथ में ले आया ऐसा नहीं ये पीछे लगा के ड्राइव करने में बहुत कंफर्टेबल रहता है लेकिन ये थोड़ा बड़ा है साइज में सो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हुआ था मैंने हटा दिया कुछ लोग सोचेंगे कितना इमोशनल फादर है कि डॉटर का कुशन ले आया पिलो ले आया ओह माय गॉड नो ऐसा नहीं है आई रियली लव हर बट आई एम नॉट आई मीन इतना भी सीन नहीं है कि उसके पिलोज इसलिए लेकर आऊंगा बिकॉज आई एम मिसिंग हर हाईवे इज बहुत अमेजिंग है यार फैंटास्टिक हाईवे मजेदार है एकदम चलाने में मजा आता है अभी 100 पे चल रहा हूँ चलो ज़्यादा नहीं बोलता हूँ वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ कनिका नाम है उसका वो तो स्किप कर करके देखती है 10-10 सेकंड के स्किप कर करके फटाफट से देख लेती है दिस आई मीन शी हैज़न्ट टोल्ड मी दिस बट आई नो दैट वो ऐसे ही देखती होगी स्किप करके फटाफट देख लेती होगी तो 45 मिनट की वीडियो 4-5 मिनट में ख़त्म कर देती होगी
कम 400 किलोमीटर्स फ्रॉम जैसलमेर, तो बीकानेर क्रॉस कर लिया और अभी करीबन इतना ही डिस्टेंस और बाकी बचा है. सो राइट नाउ इज 5:38. आई थिंक मुझे करीबन 6-7 घंटे और लगने चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 7 आवर्स टू रीच होम. सो आई थिंक बाय 12 और मैक्सिमम बाय 1 आई रीच होम. आई एम नॉट स्टॉपिंग एनीवेयर. ये हाईवे थोड़ा सा लोनली स्ट्रेच है एंड बेटर इज दैट यू आई मीन चलते रहो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज जितना रात में या कार चलाऊंगा उतना अनसेफ हो जाएगा. तो मैं एट ए स्ट्रेच ही कार चलाने वाला हूँ. थोड़ा बहुत जो मैं अपने साथ लेकर आया था आई हैव दैट इन केस मुझे भूख लगेगी तो, बट अभी इट्स फाइन आई थिंक. तो या ये सिचुएशन है, GPS को ही फॉलो कर रहा हूँ. दिल्ली बाउंड कोई गाड़ी नजर तो नहीं आ रही है, बट ट्रक्स ही हैं ज्यादातर. तो एनीवेज लेट्स सी हाउ इट गोज. फाइनली रीच्ड होम. इट्स 2:12 AM. ड्रिवन 841 किलोमीटर्स while coming back. Going to park the car in the basement now. यार जो फार्मर प्रोटेस्ट रैली है, जो फार्मर प्रोटेस्ट जो भी चल रहा है यार, ये पूरा दिल्ली के अंदर सारे एंट्री पॉइंट्स बंद किए हुए थे. बहुत पतली पतली सड़कों पे से गांव में से लेकर आया हूँ और बहुत प्रॉब्लम हुई. There are two ways to come to Delhi from the place that I came from, which is Bahadurgarh. तो दोनों के दोनों रास्ते बंद थे, वहाँ पर बैरिकेड्स किए हुए थे पुलिस वालों ने और बिल्कुल भी जगह नहीं थी, मतलब पूरी तरह से बंद था, रेस्ट्रिक्टेड था. बट फाइनली फिर गलियों में से, गाँव में से निकाल निकाल के मैं लेकर आया. अब मैं घर पहुँच गया हूँ. व्लॉग 3 पार्ट में होगा, 1 part 1 part 2 part 3. तो ये पार्ट 3 का कंक्लूजन है, कंक्लूड कर रहा हूँ इसको, फिनिश कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इट वॉज अ ग्रेट ट्रिप एंड आई एंजॉयड. बस ये वापस आते वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, बट दैट्स फाइन, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रैवल, इट्स ओके. आई वॉन्ट ग्रिप मच. सो या ट्रिप कम्स टू एन एंड. बस लगेज निकालता हूँ और अपने घर जाता हूँ. घर जाके आई विल हैव समथिंग एंड देन आई विल स्लीप. यहाँ थोड़ी ठंड है, वहाँ तो गर्मी थी तो मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ, बट जैकेट कार में रखी है, सो आई विल वेयर दैट एंड देन आई विल गो अप. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे गाइस.